साथियों, इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं भारतीय नौसेना का कोचिन शिपयार्ड के सभी इंजीनियर्स, वैज्ञानिकों और मेरे श्रमिक भाई बहनों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इस सपने को साकार किया है। केरला की पुण्य भूमि पर देश को ये उपलब्धि एक ऐसे समय पर मिली है जब ओणम का पवित्र पर्व भी चल रहा है। मैं सभी देशवासियों को इस अवसर पर ओणम की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, INS विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है वो स्टील भी स्वदेशी है। ये स्टील DRDO के वैज्ञानिकों ने विकसित किया, भारत की कंपनियों ने प्रोड्यूस किया। एक युद्धपोत से भी ज्यादा एक तैरता हुआ एयरफील्ड है, एक तैरता हुआ शहर है। इसमें जितनी बिजली पैदा होती है उससे 5000 घरों को रोशन किया जा सकता है। इसका फ्लाइट डेक भी 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। विक्रांत में जितने केबल्स और वायर्स इस्तेमाल हुए हैं वो कोची से शुरू हो तो काशी तक पहुंच सकते हैं। ये जटिलता हमारे इंजीनियर्स की जीवटता का उदाहरण है। मेगा इंजीनियरिंग से लेकर नैनो सर्किट्स तक पहले जो भारत के लिए अकल्पनीय था वो हकीकत में बदल रहा है। साथियों, इस बार स्वतंत्रता दिवस पर मैंने लाल किले से पंच प्राण का आह्वान किया और हमारे हरिजी ने भी इसका उल्लेख किया। इन पंच प्राणों में पहला प्राण है विकसित भारत का बड़ा संकल्प, दूसरा प्राण है गुलामी की मानसिकता का संपूर्ण त्याग, तीसरा प्राण है अपनी विरासत पर गर्व, चौथा और पांचवा प्राण है देश की एकता, एकजुटता और नागरिक कर्तव्य। INS विक्रांत के निर्माण और इसकी यात्रा में हम इन सभी पंच प्राणों की ऊर्जा को देख सकते हैं। INS विक्रांत इस ऊर्जा का जीवन संयंत्र है। अभी तक इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर केवल विकसित देश ही बनाते थे। आज भारत ने इस लीग में शामिल होकर विकसित राष्ट्र की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है।